आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जीती हुई बाजी कांग्रेस कैसे हारती है, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत से समझा जा सकता है। कांग्रेस जीती हुई लड़ाई क्यों हारती है, यह भी हरियाणा के चुनाव परिणाम से समझा जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा महंगा पड़ा। हुड्डा फैक्टर के कारण कांग्रेस की कलह सार्वजनिक मंचों पर सामने आ गई। राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा का हाथ तो मिलवाया मगर दिल नहीं मिला सके। इस हार का एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उपजे गुस्से को भुनाने में कामयाब नहीं हुई। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए और बाजी मार ली। हरियाणा के चुनाव नतीजों ने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल, बड़े बड़े चुनावी पंडित, हरियाणा की राजनीति के जानकारों के तमाम अनुमान और दावे धरे के धरे रह गए। राजनीतिक विश्लेषकों, पत्रकारों का यही आकलन था कि हरियाणा में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी और एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होंगे। हरियाणा के नतीजों से यह बात भी पता चलती है कि कांग्रेस के जिन दावों और तर्कों को चुनाव प्रचार में आधार बनाया गया था, जनता ने उन्हें वैसी अहमियत नहीं दी जैसी कांग्रेस को उम्मीद थी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने मुख्य रूप से जवानों के लिए अग्निवीर योजना, किसानों से संबंधित मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही संविधान और आरक्षण पर खतरा होने की बात को भी दलित समुदाय के साथ ही समाज के अन्य वर्गों के सामने भी रखा था। कांग्रेस को आशा थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन मुद्दों का जिस तरह जबरदस्त असर हुआ था, वैसा ही कुछ विधानसभा के चुनाव में भी होगा। लेकिन बीजेपी ने इसकी काट के लिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली 2005 से 2014 तक चली सरकार के कामकाज पर हमला बोला। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानकर बैठे रहे कि मुख्यमंत्री तो वही बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचाने में एग्जिट पोल और सोशल मीडिया पर एक्टिव एक खास इकोसिस्टम ने भी बहुत ज्यादा योगदान निभाया। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री की दावेदारी वाले कांग्रेस नेताओं का अलग अलग गुट नजर आने लगा था। दूसरी तरफ बीजेपी ने वोटरों की जमीनी गोलबंदी पर काम किया। उसने सामाजिक समीकरण को साधने वाले कदम उठाए। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाओं का तो लाभ उसे मिला ही है। हम सब ने चुनाव के पहले दिन से देखा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। उन्होंने अपने मन के मुताबिक टिकट बांटे। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद न सिर्फ अपने समर्थकों को टिकट बांटे बल्कि शैलजा समर्थकों को 9 सीट देकर साइड लाइन कर दिया। इस तरह उन्होंने पार्टी में कलह के बीच रोक दिए। नतीजा यह रहा कि शैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रास्ता भी बंद हो गया और आपने 90 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे और वोटरों में संदेश अच्छा नहीं गया। प्रचार के दौरान एक बनाम 35 का नैरेटिव भी हुड्डा के कैंप से बाहर आया और गैर जाट भी लामबंद हो गए। हरियाणा के चुनाव परिणाम इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपना नैरेटिव फैलाकर जिस तरह से दलित वोट बटोरे थे, पार्टी का वैतलिज्म विधानसभा चुनाव में टूट गया है। वोट शेयर को देखने से मालूम पड़ता है कि हरियाणा में दलितों का वोट बीजेपी के साथ साथ बसपा और INLD गठबंधन के खाते में भी गए हैं। इस साल के लोकसभा चुनाव में मायावती की BSP को हरियाणा में महज 1% के करीब वोट मिले थे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में उसने राज्य में अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि ऐसा क्या हुआ है कि 3 महीने में ही दलित वोट उससे दूर हो गए। नतीजों से यह भी लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता और पार्टी सांसद कुमारी शैलजा की उपेक्षा का जो आरोप लगाया, उससे भी कांग्रेस का दलित वोट खिसका है। लगता है कि कांग्रेस दलितों को यह समझाने में पूरी तरह से नाकाम रही कि पार्टी दलितों की उपेक्षा नहीं करती।
बीजेपी ने शैलजा को लेकर की गई इस टिप्पणी को दलितों के अपमान से जोड़ा था और कहा था कि कांग्रेस में जब इतनी वरिष्ठ नेता का सम्मान नहीं है तो दलित समुदाय के आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। ऊपर से अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कथित तौर पर आरक्षण खत्म करने वाले बयान ने भी कांग्रेस की लुटिया डुबोने में सहायता की है। हमने अपनी कई वीडियो में पहले भी बताया था कि हरियाणा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण दलित मतदाता है और यह जिस तरह पलटे उधर ही परिणाम जाएगा। काफी हद तक उसी तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। एक और कारण रहा कि बीजेपी ने पूरे चुनाव को माइक्रो लेवल पर लड़ा और पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, जिसमें वे कामयाब भी रहे। जब हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 से ज्यादा सीटों पर छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे बड़ी वजह रहे हैं। भले ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई चमत्कार नहीं कर पाई हो, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बांटने का कांग्रेस को स्पष्ट नुकसान दिखता है। हरियाणा की राजनीतिक समझ रखने वालों का मानना है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन सभी सीटों पर कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार पर फोकस किया जहां उसकी जीत की संभावना कम थी और कांग्रेस की जीत भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। मसलन दादरी विधानसभा सीट को बीजेपी बहस 1997 वोट से कांग्रेस से जीत पाई और इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय संजय छापरिया को 3,713 वोट मिले हैं। यही हाल सफीदों में विधानसभा सीट का रहा। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की जीत का अंतर करीब 4,000 वोट का रहा है, जबकि तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार को 20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित हरियाणा बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने हुड्डा सरकार के दौरान खर्ची और पर्ची को जोर शोर से उछाला। खर्ची और पर्ची का सीधा मतलब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद या पक्षपात से है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हुड्डा सरकार के शासन में दलितों पर अत्याचार हुआ। कारण कुछ भी हो, लेकिन हरियाणा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि चुनावी आंकड़े और जमीनी माहौल दोनों बहुत अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।